आज मैं बना रही हूँ एकदम क्विक बनने वाला मैंगो मूस, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है और बहुत ही आसानी से ये बन भी जाता है। इस मैंगो मूस को बनाने के लिए ना ही मैंने अगर अगर पाउडर, ना ही जेलेटिन पाउडर किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दो आम का अच्छे से पल्प निकाल कर मिक्सर में बिना पानी के पीस कर तैयार कर लें। साथ ही कुछ आम के टुकड़े सजावट के लिए ले लें और थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम बना लें। मैंने यहाँ पर अमूल फ्रेश क्रीम का उपयोग करके यह क्रीम बनाई है। आप आसानी से हैंड ब्लेंडर की मदद से इस तरह की व्हिपिंग क्रीम घर पर ही बना सकते हैं। अब सबसे पहले एक पाइपिंग बैग में एक स्टार वाली नोजल को डालकर इसमें थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम डालकर सजावट के लिए अलग रख दें। अब दो सर्विंग ग्लास ले लें। अब सबसे पहले तैयार मैंगो के पल्प को चम्मच की मदद से डाल दीजिए। अब बची हुई क्रीम को मैंगो पल्प के ऊपर अच्छे से चम्मच की मदद से डाल दीजिए। अब बचे हुए आम के पल्प को व्हिपिंग क्रीम के ऊपर डाल दीजिए। अब आखिर में पाइपिंग बैग की मदद से व्हिपिंग क्रीम को गोल गोल घुमाते हुए ग्लास के टॉप पर डाल दें। अब ऊपर से कुछ आम के टुकड़े भी डाल दें। अब इस तैयार मैंगो मूस को फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दें और जैसे ही मैंगो मूस एकदम ठंडा हो जाए उसे सर्व करें। अगर आज आपको मैंगो मूस की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।